हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे इज द लेक्चर नंबर 44 क्लास 10 एंड चैप्टर इज द करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो बेटे आज हमें आप लोगों को न्यूमेरिकल करने हैं रिगार्डिंग द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो बेटे हीटिंग इफेक्ट में ऑफ करंट में मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था H इज इक्वल टू I स्क्वायर R T इन जूल। और यही फॉर्मूला है बेटा आपके पास I स्क्वायर R T अपॉन 4.2 किलोरी। तो बेटा इससे रिगार्डिंग बेटा आया आपको न्यूमेरिकल्स करने। तो सबसे पहले सिंपल प्रॉब्लम 1 ऑन पेज नंबर 63। तो बेटा 63 पेज पर सिंपल प्रॉब्लम 1 क्या कहती है बेटा हमें, उसने कहा ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 250 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस ए रेजिस्टेंस ऑफ 500 ओम इन एन इलेक्ट्रिक आयरन। यानी बेटे एक इलेक्ट्रिक आयरन है, हमने उसको पोटेंशियल डिफरेंस 250 वोल्ट का दिया हमने उसको, और उस आयरन का जो रेजिस्टेंस है आर इसी का टू बेटे हमारे पास वो 500 ओम है, करेक्ट। इन इलेक्ट्रिक कैलकुलेट, फर्स्ट हमें जो निकालना बेटा करंट आई इज इक्वल टू व्हाट, एंड सेकंड वे जो हमें कैलकुलेट करना है हीट एनर्जी। क्या निकालने बेटा, हीट एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट गिवन है, इसके लिए बेटा हमें टाइम टी इज इक्वल टू 10 सेकंड। यानी बेटा हीट एनर्जी को निकालने बेटा हमें 10 सेकंड में निकालनी। तो बेटे पहला क्वेश्चन पार्ट था इसका बहुत सिंपल है, ओम्स लॉ से बेटे वी इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I इज इक्वल टू आप V अपॉन R आप लिख सकते हैं। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V, V इज द 250 एंड R इज द 500, तो 250 इज डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1/2, सो I इज इक्वल टू 0.5 एम्पीयर। तो एक आंसर तो बेटा आपका ही आ जाता। अब जो सेकंड में है वो हमें क्या निकालना है, वो हमें H निकालना है, हीटिंग इफेक्ट, हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है बेटा हमारे पास I स्क्वायर R T होता है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I, 0.5 को आप 1/2 भी लिख सकते हो, तो दिस इज द 1/2। तो बेटा हम डेसिमल से बचते हैं, जितना डेसिमल आप लास्ट में यूज़ करोगे उतनी वैल्यू आपकी एक्यूरेट मानी जाएगी। तो R की वैल्यू क्या बेटा हमारे पास 500, एंड व्हाट इज द टाइम, टी इज इक्वल टू 10 सेकंड, सो 1/4 इज इक्वल टू 510, तो 1250 जूल की एनर्जी। इट मीन्स अगर एक इलेक्ट्रिक आयरन को हम 250 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, उसका रेजिस्टेंस 500 ओम है, और करंट उसके अंदर 1/2 एम्पीयर अगर कंज्यूम करते हैं, तो उसके अंदर हीटिंग एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी वो 1250 जूल के बराबर होगी। एंड द सेकंड प्रॉब्लम 2 ऑन पेज नंबर 63, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस। यानी कि बेटा इसमें भी हमें क्या निकालनी है, हीट प्रोड्यूस मीन आपको बेटे हीट निकालनी है कब, व्हेन 96,000 कूलम्स ऑफ चार्ज। यानी कि जो चार्ज की वैल्यू है वो 96,000 कूलम है आपके पास, करेक्ट, इज ट्रांसफर्ड इन 1 आवर। टाइम कितना है बेटे, 1 आवर, सो 1 आवर को बेटे 1 आवर में 60 मिनट इज इक्वल टू 1 मिनट में 60 इंटू 60, इट मीन 3600 सेकेंड, करेक्ट। एंड द पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस दी है वो हमारे पास 50 वोल्ट का हमें पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हमें बेटे हीट निकालनी है। अब बेटा हमारे पास जो हीट का फॉर्मूला है वो I स्क्वायर R T है। अब जो I स्क्वायर R T है तो मेरे पास Q भी है, T भी है, V भी है, करेक्ट, और मेरे पास टाइम भी है। तो सबसे पहले तो मुझे R भी चाहिए और मुझे I भी चाहिए, तो I को निकालने के लिए आप फार्मूला यूज़ कर सकते हैं I इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q, इट इज़ द 96 एंड T इज द 36, तो काटो इसको, काट देना 12 36।
96, 12 8 जा 96, तो 80 अपॉन 3 एम्पियर करेक्ट। अब बेटा हमें आई वी पता लग गया और हमें क्या निकालना है, आई वी आ गया हमारे पास, आर निकाल लिया, वी बताया तो वेरी सिंपल, वी इज इक्वल टू आई आर, आर निकाल लेंगे। सो आर इज इक्वल टू क्या बेटा, वी अपॉन आई, तो व्हाट इज द वी, वी इज द 50 अपॉन 1 इंटू 3 अपॉन 80, तो 15 अपॉन 8 ओम। ये बेटा सारी वैल्यू जब यहाँ पर पुट करोगे यू विल गेट द फाइनल आंसर, आई कितना बेटा हमारे पास 80/3 का स्क्वायर, एंड आर जो है आर कहाँ गया भाई, है आर, इट इज द 15 अपॉन 8 इन टाइम इज द 3600 करेक्ट। तो 80/3 गुना 80/3 15 अपॉन 8 इंटू 3600, तो 8 10 जाए 3 5 जाए एंड ये 1200। तो बेटा आप कैलकुलेट करना है, इसको कुछ नहीं है, 12 5 60 8 गुना 60 तो बेटा 12 5 60 8 1 2 3 4 8 6 48 1 2 3 4 5 ये आपके पास जूल एनर्जी है, ठीक है ना। और आप देखो बेटे अगर इसको 3 को आप ले लो तो आप लिख सकते हो बेटे 4800 इंटू 10^3 जो 10^3 हो गया बेटे कितना आ गया किलो जूल। तो दिस इज द हीटिंग इफेक्ट। चलिए अब बेटे कुछ आपको एक जो क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज से करा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज का है बेटे ये, ऑन पेज नंबर 66 बेटे जो बुक कंसीडर करी जा रही है वो ईशान की बुक कंसीडर करी जा रही है, उसने कहा ए हीटिंग कॉयल ऑफ रेजिस्टेंस 200 ओम, यानी बेटे एक हीटिंग कॉयल है उसका रेजिस्टेंस आपके पास 200 ओम का है करेक्ट, एट व्हाट रेट, रेट मींस कभी भी वर्ड रेट आए आर ए टी कि जिस भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए वर्ड रेट लगाए उसका आप अपॉन में टाइम कर दीजिए, इट मीन्स वो क्या कह रहा है, एट व्हाट रेट विल हीट बी प्रोड्यूस, इट मीन्स एच अपॉन टी इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है ना, क्या पूछ रहा है, इट प्रोड्यूस इट व्हेन ए करंट ऑफ 2.5 एम्पीयर, करंट कितना बढ़े 2.5 एम्पीयर फ्लो थ्रू इट, तो क्या बोलते एच इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास आई स्क्वायर आर टी, तो बताओ बेटे एच अपॉन टी जो हो गया वो आई स्क्वायर आर हो गया क्या, तो आई का फॉर्मूला क्या है, आई की वैल्यू बेटे कितनी है 2.5 का होल स्क्वायर, एंड व्हाट इज द रेजिस्टेंस इज द 200 25 25 625, दिस इज द 6.25 इंटू 200, तो ये इससे 2 जीरो कट गई आपकी, तो ये कितना आ गया बेटे 1250 जूल पर सेकेंड इज द आंसर। चेक कर लेते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 17, बिल्कुल सही आंसर आया बेटे 1250 जूल पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर बेटे 18 में क्या कहता है, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम, यानी बेटे एक इलेक्ट्रिक हीटर है इसका रेजिस्टेंस कितना है 8 ओम का है करेक्ट, टेक से करंट आई इज इक्वल टू 15 एम्पीयर करंट को कंज्यूम करता है फ्रॉम द मेन सप्लाई, कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज प्रोड्यूस इन द लेटर, तो यानी कि बेटे इसके अंदर भी आपको एच अपॉन टी ही निकालना है, ठीक है ना, तो फॉर्मूला क्या हो गया बेटा एच अपॉन टी का आई स्क्वायर आर,
15 कैश क्या इंटू 8 15 225 इंटू 8 तो एच अपॉन टी जो आ गया आपके पास 8×40 कैरी ओवर 4 8×16 और 4×20 8×16 और 2 1800 जूल पर सेकेंड इज द आंसर करेक्ट। और बेटा बताओ कौन सा क्वेश्चन करवाया आप लोगों को? और बेटा आप लोग करिए बेटा आप अपने आप चलिए क्वेश्चन नंबर बेटे क्वेश्चन नंबर 30 करवा देते हैं। अच्छा क्वेश्चन है आपके पास, ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 30 तो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 30 से इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू ए फिक्स्ड रेजिस्टेंस इज हाफ द हीट प्रोड्यूस इट विल बिकम यानी कि बेटा इनिशियली जो हीट है वो आपके पास एच इसी वैल्यू आई स्क्वायर आर की देखो बेटा कहने को तो बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है लेकिन पेपर में इस तरह का क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। मान लिया बेटा इसको क्वेश्चन को मैं नंबर वन बना देता हूँ यानी कि जो इनिशियली हीटिंग इफेक्ट है वो हमारे पास ये है करेक्ट। अब वो क्या कहता है इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू ए फिक्स्ड रेजिस्टेंस इज हाफ यानी कि जो करंट फ्लो हो रहा है किसी फिक्स्ड रेजिस्टेंस में वो हाफ कर दिया जाता है इट विल द न्यू करंट हो गया जो न्यू करंट हो गया वो हमने आई वन मान लिया वो पहले करंट का जो इनिशियल करंट है उसका हाफ हो जाता है करेक्ट। द हीट प्रोड्यूस विल बी तो जो न्यू हीट है उसको मैं एच वन मान लेता हूँ बेटा ये हमें दिखाता हूँ तो बेटा जो चेंज हुआ है वो करंट में हुआ है ना तो रेजिस्टेंस में हुआ ना टाइम में हुआ तो जो न्यू हीट प्रोड्यूस हो गई एच वन इज इक्वल टू आई वन का स्क्वायर आर टी हो गया तो व्हाट इज द आई वन दिस इज द आई स्क्वायर बाई 4 आर टी सो एच वन इज इक्वल टू 1/4 आई स्क्वायर आर टी एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस सो फ्रॉम वन सो एच वन इज इक्वल टू 1/4 H यानी कि जो न्यू हीट प्रोड्यूस होगी जितनी भी हीट पहले प्रोड्यूस हुई थी इट विल रिड्यूस बाय 1/4 ऑफ इनिशियल हीट। तो बेटे आज के कुछ क्वेश्चंस हुए नेक्स्ट लेक्चर में भी मैं आपको एक दो क्वेश्चन जरूर करवाऊंगा और उसके बाद नेक्स्ट आपका थोड़ा सा पार्ट इसका थ्योरी का पड़ता है उसके बाद ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। थैंक यू।